रूस के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं बरतानिया और जापान। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जापानी पीएम कशिदा से होगी मुलाकात। रूस के तेल और गैस पर कम इन्हिसार पर हुआ गौर। फॉरेन सेक्रेटरी ली स्ट्रस ने रूस को दिया एक और झटका। रूसी मीडिया कंपनियों और उनके मुलाजमीन समेत 63 रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ पाबंदियों का किया ऐलान। पूरे मगरब के बाद अब इसराइल के साथ हुई रूस की दुश्मनी। हिटलर को यहूदी करार देने पर इसराइल जल उठा। 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ बाजाब्ता ऐलान जंग की खबरों को रूस ने बताया बकवास। इसराइल ने अब अजान पर लगाया बैन। 2 दिन कबल मस्जिद अक्सा में ईशा की अजान देने से रोक दिया गया। सहन बुर्राख में इसराइली हुकाम की तकरीब में खलल होने की बताई वजह। लाउडस्पीकर पर बढ़ते तनाजे के दरमियान मुंबई की 26 मस्जिद के मजहबी रहनुमाओं ने अहम मुलाकात में लिया मुत्तफिका फैसला। सुबह फजर की अजान अब लाउडस्पीकर के बगैर दी जाएगी। और राजस्थान के जोधपुर में हुए वायलेंस के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, क्या डरी हुई है राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत जो नहीं करती कार्रवाई। राजस्थानी मुसलमानों का न रमजान और ना ही ईद पूरा मन गुजरी।